हेलो दोस्तों, कार्तिक के महीने में पुराणों के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु नारायण के रूप में जल में निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक के महीने में स्नान दान और उपवास करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और इस महीने का कार्तिक नाम क्यों पड़ा, आज मैं मेन बात बताने जा रही हूँ कि कार्तिक का महीना को कार्तिक क्यों कहते हैं। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध भी इसी महीने में किया था, इसके लिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, यानी कार्तिक का महीना पड़ा। इस मास में पवित्र नदियों में स्नान दान उपासना हवन आदि करने से विशेष महत्व मिलता है जो अन्य महीनों में नहीं मिलता, इसलिए इस महीने में कुछ विशेष बातों का आप ध्यान रखें। जैसे तुलसी पूजा जरूर करें, तुलसी का आप सेवन भी एक पत्ते का कर सकते हैं, दीपदान जहाँ मिले आपको दीपदान करें, नदी पोखर तालाब, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जमीन पर सोने से माइंड जो है मतलब अच्छे विचार आते हैं, निगेटिव विचार हट जाते हैं। शरीर में तेल लगाना वर्जित है इस महीने में, बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो आप नरक चतुर्दशी वाले दिन लगा सकते हैं, अन्यथा शरीर पर तेल लगाना वर्जित माना गया है। अब बात यह है कि क्या चीज खाएं कार्तिक के महीने में। जो दो दीदलन होता है ना, दीदलन यानी फलीदार चीजें वाली दालें होती है ना, दीदलन का मतलब होता है फलीदार चीजें वाली दालें। जैसे उड़द है, दो जुड़के बनते हैं, मूंग है दो जुड़के बनते हैं, मसूर है दो पाट, चना मटर राई, यानी दो पाट की जो दालें होती हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, ये मेन बात आती है। तपस्वियों के समान व्यवहार, यानी व्रत अगर आप कर रहे हैं तो भी और नहीं कर रहे हैं तो भी आप मतलब एक सात्विक जीवन जिए इस महीने में। कम बोलें, फालतू अनाप शनाप ना बोलें, किसी की निंदा विवाद ना करें, मन पर संयम रखें, चुगलियां ना करें। ब्रह्मचार्य का पालन मेन है इस महीने में, ब्रह्मचार्य का पालन करें। अगर पति पत्नी भी हैं तो भी आप थोड़ा सा सात्विक तरीके से रहें, सात्विक भोजन करें, जमीन पर लेटें। अगर व्रत कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो करना ही करना है, और नहीं भी कर रहे हैं तो भी इस बात का आप ध्यान रखें, इससे आपको 12 महीनों से ज़्यादा इस महीने में अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।